हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खुश बाश हैं, खैर खरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। रात के टाइम मंडी विजिट करने आए थे कि जी कोई जानवरों की अपडेट लें यहाँ के जानवर कोई आए हैं कि नहीं आए, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है जानवर तो नहीं आए, बड़ा जानवर तो बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन बकरों में देसी बकरे कुछ आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम जो है आपको मंडी का ओवरव्यू देंगे, जिसमें जो आज चेंजिंग हुई हैं वो ये है जी, जहाँ पर बैठे आते हैं उस जगह पे खेमे लगना शुरू हो गए, तंबू शंबू लगना शुरू हो गए। जिन्होंने रेंट आउट पे जगह ली है अपने जानवर बांधने के लिए, वो वाली सारी जगह पे खेमे लगना शुरू हो गए हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ, जब आप डस्का रोड से आते हैं अकबराबाद बकरा मंडी की तरफ, तो आपने बिल्कुल सीधा आना है, तो अपने राइट साइड पर थोड़ी सी आगे आएंगे तो इस साइड पे ये प्लॉट आ जाएगा, जहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा प्लॉट है। इधर सिर्फ बैठे आते हैं इस सारी जगह पे, जो सामने आपको सारी जगह नज़र आ रही है ना। तो अभी शुरू करते हैं जी आपको दिखाना जो तंबू लगे हैं, जिन लोगों ने अपने बैठे बांधने के लिए रेंट पे जगह ली है, जितना जितनी स्पेस जिस जिसको चाहिए थे उससे उस हिसाब से तंबू लगवा ली हैं। तो सबसे पहले ये सामने एक तंबू लगा हुआ है जी, इधर से बैठे जो है ना शुरू हो जाते हैं, उनके जो तंबू लगाते हैं लोग अपने अपना हिसाब से जगह लेते हैं। तो एक ये तंबू लगा हुआ जी, अभी ये अभी सामने साइड पे तो ट्रक है, लेकिन जब ईद करीब आएगी तो इस साइड से भी ये जगह सारी खाली कर देंगे, तो ये ट्रक वगैरह इधर से चले जाएंगे। अभी इस साइड पे तो कोई तंबू नहीं लगा हुआ, एक तंबू वो पीछे लगा हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो मैं आपको करीब जा कर दिखाता हूँ, रोशनी ज़रा कम है, ये तंबू लगना स्टार्ट हो गया। एक ये है, ये भी आगे कुछ लग रहे हैं, ये देखें, ये भी शुरू हो गए हैं लगना तंबू। इधर सारे बैठे लगते हैं, जिसके जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से जगह मैनेज करके तंबू लगवा लेता है। जानवर इधर नीचे गर्मी से भी बच जाते हैं और बड़ा एक मज़े का माहौल बना होता है, और बड़ी गहमा गहमी लोगों की और बड़ा मज़ा आता है। इस साइड पे भी ये देखें जी, ये भी तंबू लग गए हैं, ये आप ये देखें, ये अब स्ट्रक्चर बना है, किसी ने ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, बांसों का ना बना रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें सारे बांस, एक प्रॉपर शेड बना रहे हैं बांसों का, क्योंकि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिस वजह से ना जानवरों की भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं जी, ये सारी आप खाली जो जगह देख रहे हैं इधर सारे बैठे लगते हैं आगे, ये बेसिकली ना कोल्ड स्टोरेज के गोदाम है। इधर इस साइड पे भी ये कोल्ड स्टोरेज के जो गोदाम है, फिर ट्रांसपोर्ट के जो गोदाम है, जो बिल्टियाँ आती हैं दूसरे शहरों से, उनका जो गोदाम है वो उन्होंने इधर रखे हुए हैं। लेकिन ये सारी जगह जो है ना आप हाली मेरे सामने देख रहे हैं, इधर सारे जो उनसे ना जानवर आते हैं, बड़े जानवर। ये भी एक देखें तंबू लग रहा, भी काफ़ी बड़ी स्पेस है वो आगे तक। ये साइड पे कुछ जानवर बंधे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, बड़े जानवर हैं एक दो, लेकिन ये किसी का डेरा है तो आपको वो भी दिखा देते हैं। मंडी में लाइटिंग अभी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक प्रॉपर तंबू ना लग जाए फिर लोग आके अपने हिसाब से लाइटिंग लगा लेते हैं। ये देखें, ये तीन बैड, तीन नहीं है दो, नहीं तीन बैड एक बंधे हुए हैं माशाल्लाह जी। ये एक ब्राउन बैड है, ये देखें, बड़ा खूबसूरत साहिवाल नस्ल का बड़ा प्यारा बैड है। एक ये है जी, एक ये देसी में आ गया, एक बैठा ये, एक उधर है, वो भी ब्राउन कलर में है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक है जी ये बैठा, ये भी साहिवाल और बहुत खूबसूरत जानवर, मतलब रानें भी भरी हुई, ये जानवर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जानवर है। लेकिन ये वाला जो जानवर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये इन तीनों जानवरों में से सबसे हैवी जानवर है और बड़ा बेहतरीन जानवर है ये। मैं थोड़ा पूरी प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ।
ये देख रहे हैं पीछे से भी दिखा देता हूँ, रानें भी उसकी बेहतरीन है, साइडों से भी आपको दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा जानवर है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। इस साइड पे जी जो भाई आए हैं इनके जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम बजन, इतने पूरा साल डेरा थोड़ा इतने ही है कि तुम इतने जानवर लेके आए हो? इतने ही है पाले जे माशाल्लाह। अपने वास्ते? हां अपने वास्ते ने, अपने वास्ते भी गए आज नहीं बिकेंगे फिर आप भी। सही है कि नहीं? दा पहला लाल जरा 3-3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का ते परला जरा ओ 9-4 दा जिया उल्ला टा हो गया है 2.5 लाख दा जरा, तो पीछे वाला ओ ते 4-10 हो गया छोटा ढाई दा है साडे ते। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। तो जी आपको इसकी प्राइस भी बता देते हैं, ये वाला जो वर्ड है ना इसकी कीमत जी वो 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ठीक है जी, जो सबसे नंबर वन पे जो मुझे पसंद आया और बड़ा खूबसूरत वर्ड है इसकी कीमत जी 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ये आप जानवर चेक करें, बहुत हैवी जानवर है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और हालांकि ये जानवर जो है ना इन दोनों जानवरों की निस्बत हल्का है, लेकिन इसके पैसे उन दोनों जानवरों से ज़्यादा मांग रहे हैं। इसकी रीज़न नहीं मुझे पता कि क्यों इतने पैसे इसके मांगे जा रहे हैं, इसके पैसे इन्होंने तकरीबन 4.25 लाख रुपए मांगा है। तो मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि ये बैड़ा बहुत कमज़ोर है इन दोनों बैड़ों की निस्बत। चले आए जी अब चलते हैं आगे, आपको मंडी भी दिखाते हैं जो बाकी थोड़ा रह गई है। इस साइड पे भी ये देखें जी ये तंबू शंबू लग रहे हैं, ये भी जगह खाली है, अंधेरा बहुत है इस टाइम क्योंकि लाइटें से जो गोदाम है उन्होंने अपने यूज़ के लिए लगाए, बाकी जो ग्राउंड है उसके अंदर लाइटें ज़रा कम हैं क्योंकि जब जानवर आ जाएंगे तो लोग इधर फिर जनरेटर लगा के लाइटिंग कर लेते हैं और बड़ा एक अच्छा माहौल बन जाता है। रात के टाइम भी बड़ा विज़िट करने में मज़ा आता है, कुर्बानी खरीदने में भी आसानी हो जाती है। तो ये भी देखें जी ये सारे तंबू शंबू लग रहे हैं। अब जी हम चलते हैं उधर, जो कुछ बकरे आए हैं देसी बकरे उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। ये भी सारी खाली जगह भी पड़ी हुई है। तो अभी ये है कि सियालकोट की जो बकरा मंडी लगती है अकबराबाद में, उधर तो अभी कोई जानवर नहीं आया अभी तक, बस बकरे थोड़े से आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि रात के टाइम है वो भी बेचारे सोए होने हैं, तभी से जस्ट ऐसे ही देख के तो फिर हम निकलते हैं। ये देखें जी ये जो तंबू लगा ना बिल्कुल मेन रोड के ऊपर लगा हुआ है, इधर कुछ जानवर आए हैं, ये देसी बकरे हैं, छोटे छोटे देसी बकरे आए हैं। ये देखें जी ये भी देसी बकरे, ये बकरे बैठे हुए। ये जी एक और आया जी रेवड़ दुम्बों का चराई वाले, ये भी बकरे। फिर इस साइड पे भी ये भी देसी बकरे, माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन है। ये एक छोटा बच्चा भी है, मैं ऐसे बकरी है कि बकरा है पता नहीं। ये भी है जी देसी बकरा, ये सारे कजले। ये इधर तक ये भी एक कजला जी निकाला है, मैं ऐसे रेट शेट हो रहा है आपको रेट भी दिखाते हैं होते हुए। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत कजला है, बड़ा प्यारा कजला है निकाला है। सारी दोंदा की ये कि खीरा है? पक्का खीरा है? दिखाओ हाँ दंद। हाँ जी पक्का खीरा जी, दोंदा शोंदा कोई नहीं होता।
हाँ जी 6 महीने दा लग जाता है, लेकिन जसामत वाइज तकरीबन साल के बराबर होना चाहिए फिर लगता है। नहीं हूँ 6 महीने का तो कुरबानी कर लीए कद उदा हो ना साल जिन्हें बकरे जिन्हें सेवा चंगी कीती होए ते हो जांदा। ये जी रेट तो नहीं हुआ इधर, वो चले गए हैं। इसका उन्होंने डिमांड की है जी 60,000 रुपये इस बकरे की, तो ये है जी बहुत महंगा काम है। अभी इस टाइम आके आप जानवर बिल्कुल ना भी खरीदें, ईद के पास आने जब जानवर ज़्यादा आएंगे तब आप आके तो जानवर वगैरह खरीदें, वो भी अब सारे खाना शाना खा रहे हैं। उधर जी जो मैंने आपको 3 बाड़े दिखाए वो उन्होंने अपने लिए पाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने भी वैसे 1-2 जानवर सेल करना है, क्योंकि वो डेरा है वो पूरा साल उधर जानवर उनके पास होते हैं, तो उनके अपने घर के जानवर हैं, तो अगर सेल हो गए तो ठीक है, नहीं तो खुद कुर्बानी कर लेंगे। इधर मैंने आपको छतरे भी थोड़े से दिखाए हैं और साथ जो देसी बकरे आए हैं कुछ वो भी दिखाए। तो उम्मीद है जी कि आपको आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को करते हैं एंड, तो जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप उसे इंटरटेन हो सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आईडी मैं साथ नीचे मेंशन कर दूंगा। दे मुझे इजाज़त, अल्लाह नी के बान, अल्लाह हाफिज़।